गाइस अस्सलाम वालेकुम, दिस इज खाकान इब्राहिम एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज स्कर्दू में पहली मॉर्निंग है और जैसे मैं निकला हूँ अपनी जगह से तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गई है। टूरिस्ट का फ्लो इतना है यहाँ पे, रश इतना है कि कोई रोड क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। तो अभी जो है वो मैं सुबह मॉर्निंग में तैयार होकर नाश्ता करके अभी निकला हूँ एक दोस्त के पास जो कि बहुत अजीज़ है, मेरा बचपन का दोस्त है। तो उसके शॉप पे जा रहा हूँ उससे मिलने, उसके बाद आज हम निकलेंगे खपलू। खपलू जो कि मेरा आबाई गांव है, मेरा बर्थ प्लेस, बोन प्लेस जहाँ पे है, तो वहाँ जाएंगे। तो बस दर्द का नज़ारा देखते हुए चलते हैं उसके पास। स्कर्दू में मैं कल आया था तो कल बारिश हो रही थी, रात को बहुत ठंड थी। और जो भी आने वाले सोच रहे हैं उनके लिए है कि आप ना ठंड के भरोसे पर रहें ना गर्मी के भरोसे पर रहें, तो अपने साथ दोनों टाइप के वार्डरोब्स लेकर आएँ ताकि आप दोनों चीज़ों से बच सकें। क्योंकि जब यहाँ पे धूप ज़्यादा पड़ती है तो गर्मी ज़्यादा होती है, वही जो आप समझ गए। तो बाकी जो ठंड है वो रात को होती है और ख़ासकर अगर बारिश हो और मौसम थोड़ा क्लाउडी हो तो ठंड होती है, तो इस वजह से रात को मुझे काफ़ी ठंड लगी यहाँ पे। और उसके अलावा अभी मौसम बड़ा टाइट है, क्लाउडी है, बादलों पे फुल सीनरी है। तो बस इंशाल्लाह अभी अजीब किस्म के मखलूक देखने को मिल रहा है स्कर्दू में, जो पंजाब साइड से सिंध साइड से लोग आते हैं तो गाड़ियों में वो ऐसे फिर रहे होते हैं जैसे समझें आप। तो ये चीज़ें देख के थोड़ा दुख होता है कि हमारे गिलगित बल्तिस्तान में ऐसी चीज़ें नहीं होती थी। मखलूकात तो अभी वो ऐड हो गए हैं, अब उनको भी साथ साथ झेलना पड़ रहा है हसीन व्यू और सुकून वाले जगह के साथ, अब इन चीज़ों को भी देखना पड़ रहा है। तो चलें, बस बात इतनी बहुत हो गई है, अभी दोस्त के पास जाता है। तो ये जी हम पहुंच गए हैं जी जनाब जाहिद के पास। जाहिद साहब, और भाई क्या हाल है, बड़े मसरूफ हो गए हो। तो हमारे जाहिद भाई जो है वो आप लोगों को मैंने पहले बताया, ये बचपन के एक दोस्त हैं, क्लास फेलो भी रहे हैं हम बचपन से ही, तो बचपन से ही हमारा अभी तो भाइयों वाला ताल्लुक है। तो मैं बस जब भी आता हूँ तो एक दफ़ा पहले के व्लॉग में भी आप लोगों ने देखा हुआ है कि मैं यहाँ पर आता हूँ, तो आज भी बस यहाँ पर इनको ज़रा सलाम करने आया हूँ और इसके बाद मैंने निकलना है खपलू। तो ये जनाब स्कर्दू के जाने माने बिजनेसमैन हैं, देखें आप इनके एटीट्यूड और उससे ही अंदाज़ा कर सकते हैं बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं आगे पीछे कि किस हिसाब के इनके बिजनेस हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जनाब बहुत एक्सपीरियंस वाले बंदे हो गए हैं आप, पहले की तरह नहीं है। तो अभी बस ये अगर आप लोग स्कर्दू आए तो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, एक अलमदार चौक के नाम से एक चौक है बिल्कुल इधर, यहाँ से थोड़ा सा ही नीचे आएंगे तो ये है मदीना ज्वेलर्स। तो ये बहुत ही पुराना, हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं, बहुत ही पुराना इनका बिजनेस है, इनकी 4-5 ब्रांचेस है स्कर्दू में ही। तो आप मदीना ज्वेलर्स आ सकते हैं, यहाँ पे आके आप कुछ भी ले सकते हैं। और केआईसी फिल्म्स पे खसूसी डिस्काउंट देंगे जाहिद, क्यों जी? बिल्कुल, केआईसी फिल्म्स का नाम लेके आएंगे तो आपको देखो सोने में भी हम डिस्काउंट दे रहे हैं आपको, और क्या चाहिए। तो सब्सक्राइब करो और यहाँ पे आओ, सोना खरीदो जी, फुल चांदी सोना तांबा जो खरीदना है खरीदो यहाँ पे मौजूद है। और अगर कल्चरल चीज़ें चाहिए तब भी ये लोग आपको दे देंगे, पत्थर वत्थर जो पत्थर चाहिए वो भी मिल जाएगा, ऑनलाइन भी भेज देंगे।
तो वो भी हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बता देंगे कि किस तरीके से ऑनलाइन मंगवाना है। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर हम ज़रा बात करते हैं, थोड़ा गपशप करते हैं, उसके बाद निकलते हैं खपलू। फिर टाइम भी अच्छा खासा एक बज गया है तो फिर लेट हो जाएगा, तो खपलू निकलते हैं फिर मिलते हैं आपसे। भाई इस कर्दू की ट्रैफिक, ये क्या हो गया मेरे इस कर्दू को। नाज़रीन हम खपलू के लिए निकले हैं और ये जगह जो है वो यहाँ से लेफ्ट साइड पे शिगर जाते हैं, कोल्ड डेजर्ट की तरफ जाते हैं इस तरफ, और यहाँ से सीधा जाते हैं खपलू की तरफ। ये करतूल जा रहा है और हम रवाना हो गए हैं खपलू। और लैंडस्केप देखें आप, लैंडस्केप देखने तक हम खपलू पहुँच जाएंगे। सामने आप नज़र आ रहे हैं वो है कोल्ड डेजर्ट, वहाँ पे फुल हजूम और वो एक पैराग्लाइडिंग, और ये जी लोगों का रश है। खपलू से वापसी पे हम जाएंगे कोल्ड डेजर्ट। क्या नज़ारा है जीने के। खपलू का रास्ता जो है वो यहाँ से तकरीबन 2-2.5 घंटे लगते हैं अगर स्लो जाए तो, क्योंकि 103 किलोमीटर है खपलू स्कर्दू से। रास्ते भी बहुत अच्छे बने हुए हैं खपलू के, इतना कोई ख़राब नहीं है, गाड़ी वाड़ी मोटर हर किस्म की गाड़ी पहुंच सकते हैं। आगे हम पहुंचेंगे खपलू फिर बताएंगे आपको, दिखाएंगे भी। यहाँ से हम फ्रूट लेंगे, ननियाल में जा रहे हैं नानी के घर, नाना नानी से मिलना है। गाइस अभी हमने कुछ चीज़ें उठाया और चूँकि हम खपलू में जा रहे हैं नाना नानी से मिलने, तो उधर कुछ फ्रूट्स लिए और कुछ अपने लिए पानी वगैरह लिए। तो अभी हम पहुँचे हैं जी थोड़गू और मज़ीद 1.5-2 घंटे रहते हैं, डायरेक्टली चलते हैं खपलू में आपसे मिलते हैं। फर्स्ट लुक यहाँ से नज़र आ रहा है जी खपलू वादी, खपलू हम यहाँ से देख रहे हैं, सामने श्योक रिवर और ये बहुत ख़तरनाक मोड़। ये इस तरह के यहाँ पर रोड्स होते हैं, बड़े मज़े के हैं, लेकिन टूरिस्ट हजरात यहाँ पे थोड़ा एहतियात से चलाएं। ये खपलू में हम इंटर हो रहे हैं, सामने आपको खपलू नज़र आ रहा है,
तो अभी बस खपलू में इंटर होता हूँ, उसके बाद डायरेक्ट जाके थोड़ा रेस्ट करता हूँ। खपलू आपको दिखाएंगे, बाद में दिखाएंगे, अभी आप ज़रा रास्ते वस्ते देख लीजिए और रास्ते देख के ज़रा अपने आप को थोड़ा आदि कर लें, फिर हम दिखाएंगे, तसल्ली से दिखाएंगे। तो अभी चलते हैं और रेस्ट करते हैं। जी तो गाइस, शाम को पहुँचे हैं और रात को सो गए जल्दी, क्योंकि यहाँ पे खपलू में इंटरनेट का बहुत इशू है, लाइट का भी थोड़ा बहुत इशू है। तो सो गया था मैं जल्दी, लेकिन कुछ इंटरनेट से काम था तो मैं कहीं गया था किसी होटल में जाके इंटरनेट इस्तेमाल करके आके सो गया हूँ। तो अभी आज का व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं, फिर आपको खपलू का थोड़ा दिखाते हैं अगले व्लॉग में, वो इससे इसके बाद आपको दिखाएंगे। अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।